हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज एंड बेबीज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चे के सिर के बारे में कि बच्चे का सिर गर्म क्यों रहता है। दोस्तों, बीइंग ए पेरेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चों का सर बहुत गर्म रहता है। कई पेरेंट्स तो ये तक बोलते हैं कि पता नहीं क्यों मेरी बेबी का सर इतना गर्म रहता है, कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या इसको किसी तरह का फीवर है या फिर इसकी किसी तरह की कोई दिक्कत है जो इसकी इतने ज़्यादा इसके पसीने आते हैं और इतना ज़्यादा मेरे बच्चे का सर गर्म रहता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चों का सिर गर्म रहता है बाकी बॉडी टेम्परेचर के बजाय, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एवं बच्चों के पसीना भी बड़ों की बजाय बहुत ज़्यादा आता है। अब इन चीज़ों के बारे में हम वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि इस एज में बच्चे की स्वेट ग्लैंड्स बन रही होती हैं, जिनकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जो बड़े होते हैं उनके कंपैरेटिवली छोटे बच्चे को पसीना ज़्यादा आने की वजह यही होती है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि बच्चे का सिर गर्म क्यों रहता है एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स। दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में अभी बहुत सारी फंक्शन हो रही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की स्वेट ग्लैंड्स बन रही होती है, उस तरह से बॉडी में और भी अदर फंक्शंस हो रहे होते हैं जिनकी वजह से बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल एक एडल्ट जो पर्सन होता है उससे ज़्यादा रहता है, और इसी वजह से दोस्तों बच्चे का सिर गर्म रहता है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है जिसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इस दौरान कुछ एक चीज़ें याद रखनी हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे का सिर आपको थोड़ा ज़्यादा गर्म लग रहा है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप टाइम टू टाइम बच्चे का टेम्परेचर लेते रहें। अगर आपके बच्चे का टेम्परेचर 97 डिग्री टू 98 डिग्री तक है तब तो दोस्तों ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, आपके बच्चे को किसी भी तरह का कोई फीवर या कोई और प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे का 98 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर आता है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। दोस्तों, सेकंड थिंग इसमें ये है कि अगर आपके बच्चे का सिर गर्म रहता है तो आप और क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं जिससे कि आपके बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो और बच्चे को थोड़ा सा पसीना भी कम आए। पहली चीज़ तो दोस्तों, आप बच्चे को बहुत ज़्यादा हीट वाले प्लेस पे नहीं रखें। जैसे कि अगर आप बच्चे को रूम में भी रख रहे हैं तो आप बच्चे को रूम टेम्परेचर पे रखें। दोस्तों, जैसा कि बच्चों को सर गर्म है तो ये नहीं कि आप बच्चे को एसी में रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कूलर में रख रहे हैं, उसकी तो हम हमेशा ही मना करते हैं। लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी आपको नहीं रखना है क्योंकि बच्चे का सिर ऑलरेडी गर्म रहता है, बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म रहता है, इसलिए आपको बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहनाने हैं। जो आप बच्चे के लिए बेडशीट यूज़ करती हैं वो भी कॉटन का होना चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे को हम सुलाते हैं तो देखते हैं छोटा बच्चा, उसके सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले डिस्कस किया है कि इसकी वजह क्या है। इसलिए आप जो बच्चे को बेडशीट या जो भी सुलाने के लिए कपड़ा यूज़ कर रही हैं वो बिल्कुल कॉटन होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप बच्चों को खाने में जो भी चीज़ देती है, अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से छोटी है और आप बच्चों को फॉर्मूला दे रही हैं तो उसका टेम्परेचर भी गर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि गुनगुना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मूला भी आप थोड़ा सा ठंडा दें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रूम टेम्परेचर पर हो सके तो गुनगुना सा दे सकती हैं, उससे ज़्यादा गर्म आप बच्चों को फॉर्मूला नहीं दें। ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं तब तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है कि आपको कुछ नहीं करना है उसमें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा है तो उस एज में आप बच्चे को ठंडी चीज़ें खिलाएं। ठंडे का मतलब जैसे प्यूरी दे रही हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं दें। अगर आपके बच्चे की बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है बॉडी का तो उसके प्यूरीज भी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही दें, ना बहुत ज़्यादा ठंडी देनी है ना बहुत ज़्यादा गर्म देनी है। इसके अलावा आप बच्चे को कोई भी बाहर का दूध इस्तेमाल कर रही हैं तो उसको भी थोड़ा सा आप गुनगुने से
गुनगुना ही दें, बहुत ज़्यादा गर्म या ज़्यादा गर्म तो बिल्कुल भी नहीं दें। इसके अलावा दोस्तों आप बच्चे को और भी जैसे जूस वगैरह दे रही हैं तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही वो होना चाहिए। दोस्तों जो भी आप बच्चे को चीज़ें देती हो थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए, इससे आपके बच्चे के बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा और फ़र्क आपको देखने पर मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपके बच्चे का सिर गर्म रहता है तो आप बिल्कुल इसे नॉर्मल लें, बॉडी टेम्परेचर ठीक होना चाहिए बच्चे का, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये चीज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ दोस्तों इसी तरह के एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Till then, bye-bye.